Hello friends, welcome back to my YouTube channel Studyship with Krati. In this video, we are going to continue our chapter 8 of political science of class 11 Ncert. Our chapter 8 name is local government. This is part 1 of this chapter. Local government. Let's see our first topic, which is why local government. पहले तो local government का मतलब समझते हैं. लोकल गवर्नमेंट जो लोकली काम करे, मतलब हमारे आसपास ज्यादा, मतलब उसका जो इफेक्ट है, उसके जो पावर्स है वो ज्यादा स्प्रेड ना हो, वो एक लिमिटेड एरिया में ही एप्लीकेबल हो, तो हम उसको कहेंगे लोकल गवर्नमेंट, यानी हमारे आसपास की सरकार. नाउ व्हाई वी नीड लोकल गवर्नमेंट, हमें लोकल गवर्नमेंट एक्चुअल में चाहिए क्यों है. Let me tell you why we need. Actually starting में जो है वो दो cases भी दिए हैं. अगर आप उन cases की study करेंगे तो काफी ज़्यादा आसानी हो जाएगी. That why we need local government. तो आप अच्छे से answer दे सकते हैं इस question का. आपके यहाँ street light खराब हो गई है. Now tell me central government क्या आपके यहाँ street light सही करवाएगी? यानी आपके मोहल्ले में, आपकी colony में जो है street light खराब हो गई है. अब PM मोदी, let's take example, तो PM मोदी को पता चलेगा कि हाँ भाई उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है और मुझे वो है स्ट्रीट लाइट बदलवानी है. नो, PM नहीं आएंगे इसके लिए. कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑब्वियसली नॉट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट क्या आपका ये काम करेगी? नो. तो इसलिए बनाए गए लोकल गवर्नमेंट, ताकि जो लोकल पीपल है, जो नीचे एरिया है, जैसे कि विलेज हुआ हमारा, टाउन हुआ, सिटी हुई, तो वहाँ की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक सरकार बनाई गई, जो खुद लोगों ने, क्योंकि सरकार का मतलब क्या है, लोग चूज करेंगे. तो इससे जो है डेमोक्रेसी को और बढ़ावा मिला, डेमोक्रेसी में और अकाउंटेबिलिटी आई, जिम्मेदारी आई, क्योंकि जो मेरे एरिया की प्रॉब्लम है मेरे जैसा ही कोई पर्सन ज्यादा अच्छे से समझ सकता है. आपकी कॉलोनी से या आपके विलेज से किसी को जो है इलेक्ट किया गया, ताकि उसको पता होगा कि हाँ यहाँ पे जो है सिटी क्लीन होनी है, पार्क क्लीन होना है, यहाँ पे वाटर सप्लाई करनी है, जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छे से करनी है, एंड स्ट्रीट लाइट जो है वो खराब हो गई है तो वो सही करवानी है. तो वहां का पर्सन जो है तो उसको पता होगा. दैट्स व्हाई वी नीड लोकल गवर्नमेंट, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लोकल पीपल. सेकेंड टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये लोकल गवर्नमेंट का आइडिया कहाँ से आया. हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई सारी ऐसी चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स हुए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हुए, किसी ना किसी कंट्री से इंपोर्ट किए गए हैं या किसी ना किसी कंट्री से इंस्पायर्ड होकर लिए गए हैं. दैट मीन्स के लोकल गवर्नमेंट में किसी और कंट्री से, किसी और कंट्री का कोई ऐसा आइडिया था जिससे हमने फिर उसको लिया है, हमने उसको इम्पोर्ट किया है. नो, एक्चुअल में लोकल गवर्नमेंट ना कि अभी का मुद्दा है, ये पहले से ही चली आ रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट जो पहले जो है वेद पुराण लिखे गए उस टाइम से, रामायण में भी इसके बारे में जिक्र है, एंड एज वेल एज महाभारत में भी इसके बारे में बताया गया है. पहले जो है सभा होती थी लोगों की, तो सभा यानी कि असेंबली, उसमें सभी लोग मिलते थे और जो भी उनकी नीड्स है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो आपस में डिस्कस किया करते थे. आपने विलेज में सरपंच के बारे में तो सुना होगा. सरपंच होता है पांच लोगों की एक सभा, एक पांच लोगों का जो है ग्रुप बना दिया जाता है, वो पांच लोग पूरे विलेज की जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये इनिशिएटिव कहाँ से की गई, शुरुआत कहाँ से की गई उसकी, लोकल गवर्नमेंट की. तो 1982 में लॉर्ड रिपन को काफी ज्यादा जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उन्होंने ये इनिशिएटिव की लोकल गवर्नमेंट की. तो लोकल गवर्नमेंट को उस टाइम पे, मतलब जो है स्थानीय सरकार, उसको स्थानीय सरकार को ये नाम जो है दूसरा था, उसको बोला जाता था लोकल बोर्ड. तो वहां से शुरुआत की गई. आफ्टर दिस फिर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, जिसके तहत विलेज पंचायत बना सकते थे.
एंड आफ्टर दैट ये फॉलो किया गया, इसी फॉलो को ट्रेंड करते हुए, मतलब इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट आया। महात्मा गांधी का हम इसमें व्यू देखते हैं कि उनका किस तरह से वो लोकल गवर्नमेंट को देखते थे, तो उनका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी जो है वो फैलाई जा सकती है, वो स्प्रेड हो सकती है, डेमोक्रेसी इंश्योर की जा सकती है। नाउ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो और कोई गवर्नमेंट नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर, बाकी लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है पावर्स का, केवल एक ही अथॉरिटी है, सारी पावर्स जो उसी के हाथ में है, बट स्टेट गवर्नमेंट भी है तो थोड़ा जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो गया पावर्स का, पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जैसा कि हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फेडरलिज्म में। नाउ स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट नहीं है, देन ये जो स्टेट के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लगेगा पावर जो है सेंट्रलाइज्ड है, हमारी जो नीड्स है क्योंकि वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट बनाई गई। तो लोकल गवर्नमेंट से क्या हुआ, आप देख रहे जो सेंट्रलाइजेशन है वो डिसेंट्रलाइजेशन होता जा रहा, मतलब पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है। बट इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं खतरा भी था, खतरा मतलब जो लोकल गवर्नमेंट बन रही थी उससे ये खतरा था, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यू देखें तो उनका मत ये था कि इससे ज़्यादा है वो इंटीग्रिटी बढ़ रही है इंडिया में, मतलब लोकल गवर्नमेंट बनाई गई कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए और नेशन को जो है अलग होने का खतरा हो जाए, मतलब नेशन जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि कई ऐसे सारे ऐसे केसेस जो आए हैं पार्टीशन के टाइम पे देखा गया कि मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी, जैसा हम पहले भी पढ़ा है हमने, कि उनको अलग जो है अलग अपना देश बनाना है, अलग अपना नेशन बनाना है, पाकिस्तान अलग हो गया। बट इसी को देखते हुए उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि ऐसा ना हो कि अगर लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दे दी गई तो वो अलग हो जाए, वो डिमांड करने लगे कि हमें सोसाइटी से अलग होना है। एज वेल एज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बाबा साहेब, तो उनका भी यही व्यू था, उनका ये था कि जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को दबाते हैं। इस कंडीशन में अगर हम लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देते हैं तो जो अपर कास्ट वाले हैं उनके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी और फिर लोअर कास्ट वालों को और ज़्यादा दबाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, सो लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हम एक स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन देखते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में लोकल गवर्नमेंट देखते हैं। अब ये तो हम बात कर रहे थे 1947 के पहले की, 1960 में स्टेट्स को इजाजत दी गई कि आप विलेज पंचायत बना सकते हैं 1960 में। तो कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट दिखाए, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तो इन लोगों ने अपनी खुद की जो है पंचायत बनाई, विलेज पंचायत। बट अदर जो स्टेट्स थे उन्होंने सेंशन नहीं समझा, उन्होंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट बनाना। एज वेल एज कई सारे ऐसे स्टेट्स भी थे जिन्होंने बनाई तो बट डिसॉल्व कर दी विलेज पंचायत एट द सेम टाइम। एंड कई सारे जो स्टेट हैं उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए, मतलब कहीं ना कहीं रेगुलेशंस नहीं थे। 1960 में इजाजत तो दी गई थी कि आप बना सकते हो बट एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो इसके लिए जो है 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट है वो किए गए, मतलब ये इंश्योर किया गया कि एक्चुअल में जो होना है जो पावर्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए। तो इसके लिए 1987 में, सी दिस 1987 में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनका रिव्यू किया गया, थोरो रिव्यू कि जो फंक्शंस है वो एक्चुअल में हो। तो जो बाकी कमेटी बनाई गई टीके थंगन की, तो कमेटी में डिसाइड किया गया कि ये जो एक्चुअल में काम है वो होना चाहिए। उसमें ये डिसाइड किया गया कि पीरियोडिक इलेक्शन होने चाहिए, मतलब जो इलेक्शन कंटिन्यूसली होने चाहिए, हर 5 साल में होने ही चाहिए। साथ ही साथ उनको फंड भी प्रोवाइड करना चाहिए।
एक तो कारण ये भी था स्टेट का कि वो लोकल गवर्नमेंट को इजाजत नहीं दे रहे थे बनने की, कि एक्चुअल में अगर लोकल गवर्नमेंट बन गई तो प्रेशर था। देखिए, स्टेट डिपेंड था सेंट्रल पे, ऑब्वियसली बात है जो लोकल गवर्नमेंट है वो डिपेंड होगी स्टेट पे, तो फंड के लिए जो है उन्हें फंड भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो उस कमेटी में ये डिसाइड किया गया। तो इसके लिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये भी उस कमेटी का विचार था कि ये जो सब्जेक्ट है, मतलब ये लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है वो, क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, तो उसमें जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूफ किया जाए, मतलब उसको कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप दे दिया जाए, तो ये एसेंशियल हो जाएगा हर स्टेट के लिए कि उसको ये बात माननी ही पड़ेगी, इसको लोकल गवर्नमेंट बनानी ही पड़ेगी। फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हेयर वी फिनिश दिस फोर टॉपिक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू कॉमेंट्स। Like this video, share this video because exams are fast approaching. And if you are new, please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching my video.